हेलो एवरीवन, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 16वां वीडियो है और इससे पूर्व के सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले आप सभी को आज होली की हार्दिक शुभकामनाएँ, और होली आप सभी के जीवन में रंग और खुशियाँ लेके आए, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 551। मुसलमानों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मुसलमानों के लिए एक पृथक देश यानी पाकिस्तान के लिए भारत में प्रथम बार अभिव्यक्ति कहाँ गई, कहाँ पर इस पर चर्चा हुई थी? तो ये 1930 के जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इकबाल के द्वारा की गई थी, उन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है पाकिस्तान के लिए यानी पृथक देश के लिए अभिव्यक्ति की गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 552। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान स्थापना करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष में? तो जो मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था पाकिस्तान की स्थापना के लिए, वो 1940 में पास किया गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 553। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो पाकिस्तान दिवस जो है वो मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? तो वो मुस्लिम लीग द्वारा जो है 23 मार्च 1943 यानी 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस को मनाया गया। तो आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 554। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है, वो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 555। मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, तो मुस्लिम लीग के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था जहाँ पर दो राष्ट्रों को मान्यता दी गई थी, वो लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और ये अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? तो ये 1940 में हुआ था। तो यहाँ पर कब हुआ था? लाहौर में। और कब हुआ? 1940 में। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 556। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो मुस्लिम लीग ने भारत की मांग विभाजन की मांग का जो प्रस्ताव है जो है वो लाहौर अधिवेशन में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 557। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो देखिए, पहला देखते हैं, वे दो राष्ट्र के सिद्धांत के समर्थक थे। बिल्कुल सही है, वो दो राष्ट्र के सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बिल्कुल सही है, उन्हीं ने ही जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में उन्होंने पृथक भारत को पृथक पाकिस्तान पृथक राष्ट्र की मांग की थी। तीसरा है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ये भी बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ हुए, जिसका जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। लास्ट है, वे सदैव डायरी रखते थे। तो ऐसा कुछ नहीं, वे सदैव डायरी नहीं रखते। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 558। वैयक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो देखिए, जो वैयक्तिक सत्याग्रह है, ये जो आरंभ किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940 को जो है ये आरंभ किया गया था। और इसके जो प्रथम जिसको आरंभ करने वाले जो थे वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे पहले सत्याग्रही थे जो है, तो वैयक्तिक सत्याग्रही थे, तो विनोबा भावे जो द्वारा किया था। ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को ये प्रथम सत्याग्रही थे। और ये कब तक चला था? तो ये चला था 17 दिसंबर 1940 तक, 17 दिसंबर 1940 तक ये चला। और इसके बाद जो दूसरे सत्याग्रही हुए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो 5 जनवरी 1941 से लेकर जो है 5 जो है 1942 तक रहे। और इसका जो उद्देश्य क्या था, यानी सिविल डिसोबीडियंस का जो उद्देश्य था, वो ये था कि यहाँ पर
अंग्रेजों ने जो है भारत को बिना उनकी अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, और ये भी कहा कि भारतीय उनके साथ हैं, परंतु इसी का विरोध करने के लिए, इसी को दिखाने के लिए सिविल डिसोबीडियंस जो है आंदोलन शुरू किया गया था, और उनके दावे को खंडित किया गया कि भारतीय उनका साथ दे रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 549। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो महात्मा गांधी के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था उसके लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? विनोबा भावे, जिसके लिए अभी हम लोग चर्चा किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 560। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 561। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? इस बात में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनका सत्याग्रह कब तक चला था? इनका जो सत्याग्रह था ये 5 जनवरी 1941 से लेकर जो है ये 1942 तक चला। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 562। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो राजनैतिक फिरौती कहने वाले जो थे ये लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे उनको राजनैतिक फिरौती कहा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 563। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक? यानी जो है ये किस व्यक्ति ने कहा था कि एक ऐसा चेक है जो ऐसे बैंक को भेजा जा रहा है जो बैंक अब क्रैश हो चुका है और वहाँ पर पैसा नहीं निकल सकता है? तो ये बात जो है ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के लिए कही गई थी, और किसके द्वारा कही गई थी? ये महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई थी। हुआ क्या था कि यहाँ पर क्रिप्स मिशन जो है प्रस्ताव जो है भारत भेजा गया था चर्चिल के द्वारा, प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा, और ये कब भेजा गया था? ये प्रस्ताव जो है ये 11 मार्च 1942 को तैयार किया गया था लंदन में, और इसको भेजा गया था यहाँ भारत में 23 मार्च को ये प्रस्ताव जो है भारत आ गया था। और इसको लागू कब कराया था, मतलब इसको प्रोक्लेम करा दिया गया था यहाँ पर, और ये कराया गया था 30 मार्च को, इसको घोषित कर दिया गया था 30 मार्च को 1942 को। तो ये बात जो कही गई थी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, ये महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई थी। हुआ क्या था, क्रिप्स मिशन भारत आया और ये भारतीयों का समर्थन लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो है चर्चिल ने क्या किया, भेजा गया कि भारतीयों को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, भारतीय स्वयं अपना एक संविधान बनाएंगे और उसी के अनुसार वो अपनी सरकार चलाएंगे, और जो राज्य इससे अलग रहना चाहते वो अलग रह सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसी तरह से इन्होंने बातें कहीं, तो उसी के लिए यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि अब तो ब्रिटेन जो है सरकार गिरने वाली है, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू इस ऑफर की कोई उनको वैल्यू नहीं प्रतीत हुई, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 564। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार थे? यानी यहाँ पर कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो दो लोग थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, 565। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो भारत में क्रिप्स मिशन जो है वो 1942, 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को भारत में आया, ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तावित की थी जो है वो 30 मार्च को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 566। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो यहाँ पर जो है
विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। वैसे ये जो है विंस्टन चर्चिल, ये भारत में क्रिप्स मिशन नहीं भेजना चाहते थे, ये भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा तक नहीं देना चाहते, परंतु लेबर पार्टी के दबाव में जो क्रिप्स थे, सन स्टेफोर्ड क्रिप्स जो वो स्वयं एक लेबर पार्टी के मेंबर थे, और उन लोगों के दबाव में आकर जो है क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ये क्या देना चाहते थे, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहते, तो इन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देना चाहिए, इन्होंने ये बात कही कि द्वितीय विश्व के बाद ये भारतीय भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 568। 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था भारत को किसी भी कोटि में स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीयों राज्य को संघ में शामिल होना होगा, ऐसा कुछ नहीं था उन्होंने कहा, जो भारतीय राज्य हैं वो अलग होना चाहते थे वो भारत से अलग रह सकते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन में इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है के तुरंत पश्चात भारत में एक संघ की स्थापना की जाएगी और उसको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त भी भारतीय लोगों, समुदाय व राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग व सहयोग, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर संपूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं की, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। ऑप्शन डी देख लेते हैं, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना और किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान ना होना और सभी प्रांतों के लिए संघीय संविधान मान्य होना। तो ऐसा इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था जो राजा रजवाड़े अपना अलग रहना चाहते हैं, अलग संविधान बनाना चाहते हैं, अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं, वो भारत संघ से अलग हो सकते हैं, तो ये भी नहीं सही है यहाँ पर। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 569। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा देना, ये बिल्कुल सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व जो है देना, ये यहाँ पर सही नहीं है, हिंदू मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा था कोई भी सूबा है वो भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सही नहीं की बात की गई, तो यहाँ पर ये सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 570। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे निम्न में थे, निम्नलिखित में से, तो देखते हैं क्या लाए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही, इन्होंने कहा था कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति जो है स्टेटस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि सब प्रांतों राज्यों को मिलकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये ऐसा इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा कि ये लोग इसमें से अलग भी हो सकते हैं, और अलग होने के लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि सब लोग मतलब एक साथ रह सकते हैं, परंतु जो अलग होना चाहे वो अलग हो सकता है। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, यस इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन तो की थी, परंतु ये भी कहा कि जो अलग होना चाहे वो अलग हो सकते हैं, मगर जो भारत का संघ बनाया जाएगा वो सभी राज्यों को मिलकर बनाया जाएगा। तो अगला देख लेते हैं कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो ये हमारा जो है ये भी सही हो जाएगा, कोई भी निर्णय जो होगा वो भारतीय संघ, कोई भी राज्य और प्रांत भारतीय संघ से बाहर निकलने का भी निर्णय ले सकता है।
लेक्स देख लेते फोर, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। नीचे दिए गए कूट की स्कीम के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन लगभग ठीक ही हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 571। 14 जुलाई 1942 को भारतीय कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो 14 जुलाई 1942 को भारत जो कांग्रेस की कार्य समिति थी, इसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो वर्धा वर्धा में पारित किया गया था। और इसके ठीक बाद उन्होंने जो है जुलाई के बाद अगस्त 1 अगस्त को 1 अगस्त को इन्होंने तिलक दिवस को मनाया, और तिलक दिवस के बाद जो है इन्होंने 8 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान जो कि मुंबई में है वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कहाँ की गई थी? ग्वालिया टैंक मैदान में की गई थी। और कब की गई थी? ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ये 8 अगस्त को की गई थी, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को ये घोषणा कर दी गई थी। और ये मुंबई में पड़ता है जो है ग्वालिया टैंक मैदान वहाँ पे। और इसके बाद ही कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक ऑपरेशन चलाया था, इस ऑपरेशन को याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, ऑपरेशन 0R, ऑपरेशन 0R जो है ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी बड़े नेता थे गांधी जी समेत उन सबको जो है अरेस्ट कर लिया गया, और रात को 12 बजे अरेस्ट कर लिया गया था। और गांधी जी को अरेस्ट करके कहाँ रखा गया था ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो गांधी जी को जो है अरेस्ट करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। चलिए इस प्रश्न से हम लोग को इतनी जानकारी मिलती है, तो हमारा ये हो जाएगा जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो वर्धा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के जो अध्यक्ष थे, तो उस समय समिति के कौन अध्यक्ष थे? राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है यहाँ पर, एनी बेसेंट। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 573। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में, उस समय जो है इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, तो इसीलिए जो है ये अगस्त क्रांति भी कही जाती है। तो ये इस समय भारत के सेनापति कौन थे? तो इस समय भारत के जो प्रधान सेनापति थे वो थे लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल जो हैं वो इस समय भारत के प्रधान सेनापति थे, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की, तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू किया था, और ये कहाँ पे था? ये मुंबई में था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 575, फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो हम लोग इस पर बात कर चुके हैं अभी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक मैदान से ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।